हे स्पाइडी फैंस, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड काफी कमाल की 3 अपडेट के बारे में, तो फुल 2 अपडेट रहने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। तो सबसे जो पहला अपडेट है कि स्पाइडरमैन 4 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। केविन फाइगी ने ये चीज खुद ही कंफर्म करी और उन्होंने बताया हमारे पास इसके लिए एक सेपरेट अलग से काफी बड़ा प्लान है। ये खबर थी थोड़ी पुरानी, पर अब बात करते हैं एकदम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। खबर ये है कि टॉम हॉलैंड ने ऑफिशियली मार्वल और सोनी से एक बहुत ही बड़ी ह्यूज डील साइन करी है। अब मार्वल से साइन करने का मतलब ये है कि फाइनली स्पाइडरमैन 4 साइन करी होगी डेफिनेटली, उसके बाद एवेंजर कैंग डायनेस्टी, फिर उसके बाद सीक्रेट वॉर, 3 मूवी तो डेफिनेटली उन्होंने साइन करी होंगी टॉम हॉलैंड ने। पर सोनी के साथ डील करने का क्या मतलब है? तो सोनी के साथ डील करने का मतलब है कि यानी कि आपको वेनम 3 में पॉसिबिलिटी एक कैमियो देखने को मिल सकता है, जो कि आने वाले सीक्रेट वॉर में आपको ब्लैक सूट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन ओवरऑल होने वाला है सोनी यूनिवर्स से। आने वाली फ्यूचर की मूवी सिनेस्टर 6 भी हो सकती है या और भी स्पाइडीज मूवीज जो कि आने वाली हैं सोनी यूनिवर्स में। तो इसलिए टॉम हॉलैंड ने सोनी और मार्वल के साथ काफी बड़ी डील साइन करी है। कम से कम मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 4 से 5 मूवियाँ तो साइन करी होंगी मार्वल और सोनी की मिला के आने वाले साल 2028 तक, ये मेरा अनुमान है। बाकी बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो स्पाइडरमैन जो 4 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है वो रिलीज होगी एवेंजर सीक्रेट वॉर से पहले। अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो जाती है, यानी कि एवेंजर कैंग डायनेस्टी के बाद आपको स्पाइडरमैन 4 देखने को मिलेगी। और सभी जानते हैं कि सीक्रेट वॉर थोड़ी डिले हो गई है, वो अब रिलीज होगी साल 2026 में 2 मई को। तो हाँ, एवेंजर कैंग डायनेस्टी में आपको स्पाइडरमैन पहले देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद उसकी एक सेपरेट मूवी आएगी, फिर उसके बाद हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा एवेंजर सीक्रेट वॉर में। चलिए बात करते हैं अब थर्ड अपडेट के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपडेट है और शायद इसमें थोड़े फैंस खुश भी हो सकते हैं और कुछ फैंस को बुरा भी लग सकता है। अब अपडेट ये है कि एवेंजर जो कैंग डायनेस्टी मूवी आ रही है उसमें स्पाइडरमैन का एक मेन रोल होने वाला है, और वो मेन रोल होने वाला है कहने का मतलब ये है कि शायद वो लीड कर सकता है एवेंजर्स को क्या कैसे करना है। अभी खबर ये भी आ रही थी कि एंटमैन का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में आने वाले मल्टीवर्स सागा को लीड करेगा, जैसे कि टोनी स्टार्क ने लीड करा था इन्फिनिटी सागा को। क्या करना है कैसे करना है टोटली वो मेन कैरेक्टर होने वाला था। पर यहाँ पर एंटमैन की बात चल रही थी मल्टीवर्स सागा को लेकर, पर हाँ अब कैंग डायनेस्टी में स्पाइडरमैन का नाम आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले फ्यूचर में। बाकी आपको क्या लगता है इन अपडेट को जानकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।